कम बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आपको 13 अगस्त के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है, अवॉइड यूनिलेटरल एक्शंस टू अल्टर ताइवान स्टेटस को सेज इंडिया। तो इंडिया ने क्या कहा, इंडिया की तरफ से क्या पक्ष है कि अवॉइड करना है यूनिलेटरल एक्शंस जो हैं अल्टर करने के लिए ताइवान स्टेटस को, ठीक है, इंडिया ने ये चीज़ कहा है। न्यू दिल्ली कॉल फॉर री एस्केलेशंस ऑफ टेंशन। तो न्यू दिल्ली ने किस बात को लेकर के अपने रखा है पक्ष की डी एस्केलेशन होना चाहिए जो भी टेंशन्स चल रही हैं। इंडिया ने फ्राइडे को कहा रिस्ट्रेन ओवर ताइवान एंड कॉशन अगेंस्ट एनी यूनिलेटरल एक्शंस टू चेंज द स्टेटस को, ठीक है। तो ये इंडिया की तरफ से बोला गया है। क्या बोला गया है, रिस्ट्रेन ओवर ताइवान एंड कॉशन अगेंस्ट एनी यूनिलेटरल एक्शंस टू चेंज द स्टेटस को, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं, ओवर चाइना पॉलिसी हैज़ बीन वेल नोन एंड कंसिस्टेंस दैट डजंट नीड फॉर एनी रिट्रेशन। एट द वीकली प्रेस ब्रीफली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक पर्सन जो है अरिंदम बागची, तो अरिंदम बागची जी जो हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला लाइक मेनी अदर कंट्रीज इंडिया टू इज कंसर्न एट द रीसेंट डेवलपमेंट। तो बोले कि और कंट्रियों की तरह, ठीक है, लाइक मेनी अदर्स कंट्री, जो और कंट्रीज हैं दूसरी, उसकी तरह इंडिया भी कंसर्न है रीसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर के, ठीक है। वी आर्ज द एक्सरसाइज ऑफ रिस्ट्रेंट अवॉइडेंस ऑफ यूनिलेटरल एक्शंस टू चेंज स्टेटस को डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन एंड एफर्ट टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी चाहती है इंडिया, ये चीज़ हमारी तरफ से ये पक्ष रखा गया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं इसमें क्या बताए गए हैं, जो बॉक्स में इसमें है डायर स्ट्रेंट्स में क्या बताया गया है, यूएस हाउस स्पीकर, ठीक है। तो जो यूएस की हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो गई ताइवान में, ठीक है, दो अगस्त को जो यूएस की हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी वो गई ताइवान पे डिस्पाइट चाइना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। जबकि चाइना ने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखाया, फिर भी वो वहाँ पर गई ताइवान में। चाइना बिगन मिलिट्री ड्रिल्स ऑन अगस्त 4 इन 6 रीजन अराउंड ताइवान। तो चाइना ने क्या किया, 2 को वो पहुँची और 4 अगस्त को चाइना ने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट कर दिया 6 जगहों पे जो कि अराउंड है ताइवान के, प्रैक्टिकली इन्फोर्सिंग अ नेवल एंड एयर ब्लॉकेड इन दिस रीजन। तो एक किस टाइप का ये था, ये प्रैक्टिकली एक इन्फोर्सिंग था नेवल का, ठीक है, नेवी का एंड एयर ब्लॉकेड का, ठीक है। चाइनीज विसल्स एंड जेट अक्रॉस द मीडियन लाइन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट एंड इस मिसाइल फ्लाई ओवर ताइवान। और मिसाइल्स जो हैं वो ताइवान के उधर जो हैं फ्लाई कर रही हैं, और ये टाइप की जो एक्सरसाइज है वो चाइना की तरफ से देखी गई ताइवान के अराउंड। इन रिस्पॉन्स ताइवान लॉन्चेज इट्स ओन मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ चाइना रैप अप इट्स लाइव ड्रिप। तो इसके रिस्पॉन्स में ताइवान ने लॉन्च किया अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को, ठीक है, और ये किसके बाद किया उसने, जब चाइना ने रैप अप कर लिया लाइव ड्रिल्स जो वो कर रहा था उसके बाद, ठीक है। और चाइना ने मिसाइल टेस्ट किया नहीं है ताइवान, तो ये भी चीज़ हुई। तो ये फर्स्ट न्यूज़ जो कि हमें पढ़नी थी, जो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और क्या है। दूसरा है, रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया ईज टू 6.71% इन जुलाई। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो इंडिया का है वो ईज हुआ है 6.71% जुलाई में, जुलाई का ये डेटा बताया जा रहा है। रिटेल जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है वो स्लिप कर गया है बिलो 7% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल। अप्रैल से ले जो अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के बाद से 7% जो स्लिप जो इसका इन्फ्लेशन है वो नीचे आया है 7% मार्क के, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और कितने पे पहुंचा है, 6.71% जुलाई में, ठीक है। ऐसा मॉडरेशन इन फूड प्राइजेस इन्फ्लेशन को लेकर के इसमें बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। दिस इज़ द 7th month इन अ रो दैट पीस ऑफ प्राइस राइज हैज बीन ओवर द अपर टॉलरेंस लिमिट। और ये अपर टॉलरेंस जो लिमिट है 6% परस्यूट किया गया सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने बताया है, इस बारे में जानकारी दी है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो नीचे गया है 7% से। आगे देखते हैं, आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे क्या पढ़ना है। तो हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं, इसमें हमें ये पहला ये पढ़ना है, नो होल्ड्स बार्ड, ठीक है।
ये पढ़ा इसमें है, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू ट्राई टू डिजिग्नेट टेररिस्ट एंड नॉट लूज फेथ इन द प्रोसेस। तो इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया को कंटिन्यू रखना चाहिए अपने जो डिजिग्नेट जो ट्राई कर रहा है डिजिग्नेट करने के लिए टेररिस्ट को, और उसको जो फेथ है उसको लूज नहीं करना चाहिए जो भी ये प्रोसेस कर रहा है उसमें, इसमें बताया जा रहा है इस बारे में। तो ये आपको एडिटोरियल में पढ़ना है। आगे देखते हैं, इसमें दूसरा है मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल। अब आपको पता है जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ये जो लिखा है ना, ये हमारे मेंस में पेपर नंबर फर्स्ट के सोशल इशू से रिलेटेड है। उसमें एक फैक्टर वहाँ पे सोशल इशू यानी सोसाइटी से रिलेटेड जो है, आप अगर उठाएंगे सिलेबस अपना, तो सिलेबस में क्लियरली वो मेंशन है पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो ये उसके प्रस्पेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप मेंस के आंसर राइटिंग में इसको, इस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद, इसके क्रक्स निकालने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे है 29 एलिफेंट पोचिंग केस इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो 29 एलिफेंट पोचिंग केस इन 3 ईयर्स, इस चीज़ को लेके क्या बात की जा रही है ये हम देखेंगे। इसमें द पीरियड ऑल्सो सॉ 90 केस ऑफ सीजर ऑफ टक आइवरी फॉरेस्ट, टस्क आइवरी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री टेल्स लोकसभा। तो किसके द्वारा बताया गया है, लोकसभा में फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने इस बारे में जानकारी दी है। अब देखते क्या है, पास्ट 3 ईयर्स में 90 केस ऑफ सीजर ऑफ एलिफेंट, ठीक है, रिपोर्ट हुए हैं इंडिया में। तो 3 सालों के अंदर, पिछले 3 सालों में 90 केस ऐसे हैं जो सीजर ऑफ एलिफेंट टस्क और की, ठीक है, रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया में, अलॉन्ग विथ 29 केसेस जो हैं वो पोचिंग ऑफ एलिफेंट के भी पाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है द डेटा वर शेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स के प्रस्पेक्टिव से हो जाता है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी न्यूज़पेपर से नहीं पूछता। इसमें क्या पूछेगा, जैसे अभी इसमें क्या आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या चीज़ है, इसका गठन कब हुआ, ये बना कब, इसके अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये कैसे अमेंडमेंट्स इससे रिलेटेड क्या क्या हुए, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट तो स्टेट पीएससी वगैरह में पूछ लेगा, पर यूपीएससी में नहीं पूछता, पर आपको जानकारी होनी चाहिए। द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ एलिफेंट टस्क सीजर वाज रिपोर्टेड इन 2021। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब रिपोर्ट हुआ था, 2021 में 42 केसेस हुए थे। ठीक है, इंसिडेंट ऑफ पोचिंग वर हाईएस्ट इन द ईयर 21, 14 इंसिडेंट ऐसे पोचिंग के भी पाए गए थे। ठीक है, और मेघालय अलोन अकाउंटेड फॉर 7 ऑफ द 14 पोचिंग डेथ। अब जो ये पोचिंग डेथ है वो सबसे ज़्यादा पाया गया मेघालय में। ठीक है, 14 में से 6 डेथ कहाँ पाई गई हैं, 14 में से 7 डेथ पाई गई हैं, जो पोचिंग डेथ हैं वो पाई गई हैं मेघालय में। ठीक है, इन द ईयर 2018 एंड 19 6 एलिफेंट डेथ ड्यू टू पोचिंग वर रिपोर्टेड एंड 9 पोचिंग डेथ वर रिपोर्टेड इन 2019 एंड 20। ठीक है, अब उड़ीसा की बात की जा रही है, मेघालय फर्स्ट नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे उड़ीसा की बात की जा रही है। अब उड़ीसा से रिलेटेड क्या बताया जा रहा है, उड़ीसा विच हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द हॉट स्पॉट ऑफ ह्यूमन एलिफेंट। ये एक हॉट स्पॉट है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो आपने बहुत सारा देखा होगा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत तरह के देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे उड़ीसा से रिलेटेड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। Has accounted for the 7 elephant death due to the poaching. तो यहाँ पे 7 elephants की death जो दिखाई गई है poaching की वजह से past 3 years में, तो उड़ीसा का भी नाम इसमें है। मेघालय accounted for 12 poaching death, मेघालय से 12 poaching death पाई गई हैं से, और उड़ीसा से 7। ठीक है, इन द पास्ट 3 years तमिलनाडु हैज़ अकाउंटेड फॉर 3 डेथ ऑफ एलिफेंट ड्यू टू पोचिंग, और 3 एलिफेंट किस वजह से, पोचिंग की वजह से। और ये जो डेटा है वो टेबल्ड हुआ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्वनी कुमार चौबे जी ने। जो अश्वनी कुमार चौबे जी हैं वो हमारे मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने रिस्पॉन्स किया है जो क्वेश्चन है 5 MPs की तरफ से, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया लोकसभा में। ठीक है, तो ये इस वजह से हमारा ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट इन्वोक टू रेन इन तूर दाल प्राइस।
तो अब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अब जैसे ये आप अगर आपको ये जानना है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो ये पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा, अब इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पूछेगा पूरा कि आज तक इससे रिलेटेड क्या क्या हुआ। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या है उसका आपको आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, इसमें कौन कौन से ग्रेन्स शामिल हैं ये पता होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें है स्टेट टू मॉनिटर एंड वेरीफाई स्टॉक अवेलेबल विद द ट्रेडर, तूर दाल प्राइस सर्जिंग सिंस मिड जुलाई एंड रिपोर्ट कमिंग इन ऑफ ट्रेडर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सप्लाई स्क्वीज बाय स्ट्रिक्टिंग सेल्स। ठीक है, तूर दाल प्राइस क्या है, मिड जुलाई से बताया जा रहा है कि सर्ज हुआ है। ठीक है, और कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो आर्टिफिशियल सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और सेंटर ने इवोक्ड किया है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को, तो इससे आपको ये पता चला कि 1955 में इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया था। ठीक है, और इसमें सेंटर ने पूछा है स्टेट से, मतलब बोला है कि मॉनिटर करे, वो वेरीफाई करे स्टॉक अवेलेबल होंगे जो कुछ ट्रेडर्स के बाहर, तो उसमें इस चीज़ को पता लगाना है। डायरेक्टिव इश्यूज ऑन अगस्त 12, 2022 KMR बिफोर द रिटेल इन्फ्लेशन नंबर फॉर द जुलाई रिलीज। ठीक है, तो ये जुलाई में जो रिलीज हुए थे नंबर, तो उसमें ये चीज़ बताने को कहा जा रहा है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो मैं आपको और शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि इस तरह अगर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बाद है US इंडोनेशिया होल्ड मिलिट्री डील्स। तो US और इंडोनेशिया ने मिलिट्री डील्स यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज किया। सोल्जर फ्रॉम US इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन अ फाइव फायर ड्रिल। तो कौन कौन सी कंट्री शामिल थी, सोल्जर है कहाँ कहाँ के, US के, इंडोनेशिया के और ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, फायर ड्रिल ज्वाइन किया इन्होंने, पार्ट ऑफ एनुअल ज्वाइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज रहा, और कहाँ पे, सुमात्रा आइलैंड है वहाँ पे। ठीक है, एमिड गोइंग चाइनीज मैरीटाइम एक्टिविटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे आ गए, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो स्लो। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात की जा रही है इसमें बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हुई है। IIP है एक्सटेंड्स 12.3% फ्रॉम द ईयर अर्लियर बट राइजेज ओनली 0.14% ओवर May 2022 लेवल। ठीक है, तो कितना राइज हुआ है, सिर्फ 0.14% ओवर May 2022 लेवल का। ठीक है, India's industrial output grew 12.3% year on year in June, moderating from 19.6% this May, led by the 16.4% uptick in the electricity mein, theek hai, 16.4%, 12.5% growth manufacturing mining activities mein hui hai, badi hai, theek hai, is mahine ye cheez batai ja rahi hai. Index of industrial production, to IIP ka full form kya ho gaya, Index of industrial production, और ये कितना हुआ है, ग्रो हुआ है यानी कि बढ़ा है 0.14% मई 2022 के बाद, इतना ही बस बढ़ा है। ठीक है, विद मैन्युफैक्चरिंग बीइंग द ओनली सेक्टर टू रिपोर्ट सिक्वेंशियल अपटेक इनटू आउटपुट इन द जून राइजिंग 1.34%, तो ये चीज़ भी ध्यान में देनी है। उसके बाद कौन सी है, एक्सपोर्ट ग्रू 2% इन जुलाई, इम्पोर्ट जम्प 44%। तो जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ 2% जुलाई में, लेकिन इम्पोर्ट जो है वो जंप कर गई है कितना, 14%। समझ रहे हैं आप, तो इसमें आपको क्या देखना है कि, और आपको ये पता है कि एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, वो बढ़ना चाहिए ना कि इम्पोर्ट। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट स्टूड एट रिकॉर्ड $30 बिलियन, ट्रेड डेफिसिट ऑब्वियसली होगी क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बस 2% इतना कम, बाकी इम्पोर्ट यानी कि अपनी कंट्रीज़ में जो चीज़ें मंगाई जा रही हैं वो जंप कर गई हैं 44%। इसमें इंडियन गुड एक्सपोर्ट ग्रू 2.1%, ठीक है, जुलाई में $36.27 बिलियन, वाइल इम्पोर्ट कितना जंप कर गया है, 43.6% टू $66.27 बिलियन एज पर क्विक एस्टिमेट फ्रॉम द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया। ठीक है, और एक्सपोर्ट फिगर बाय अबाउट $1 बिलियन कंपेयर्ड विद द प्रीलिमिनरी डेटा रिलीज ऑन अगस्त 2। ठीक है,
तो ये एक तरीके का, देखिए कॉन्सिक्वेंटली इंडिया मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट दिखने को मिल रही है, ठीक है, मॉडरेट फ्रॉम अर्लियर एस्टिमेट, ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई डेफिसिट ये रहा मंथ का, मतलब ऑल टाइम हाई डेफिसिट, इतना ज़्यादा घाटा अभी तक का महीने का ये पहली बार देखा जा रहा है, अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा घाटा ये रहा, ठीक है। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस, जिसमें हमें पढ़ना था कि क्या इम्पॉर्टेंट है आज के द हिंदू के लिए। तो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।